नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर भिंड से आ रही है। मेहगांव विधानसभा तहसील गोरमी के ग्राम पंचायत सिकरौदा में सरपंच ने सचिव पर लगाया लाखों रुपए के गमन करने का आरोप, जनपद सीईओ को दिया आवेदन। जानकारी अनुसार ग्राम सिकरौदा में हुए फर्जी भुगतान के लिए लाखों के गमन करने का खुलासा सरपंच अतर सिंह जाटव ने किया है। यहाँ हम अवगत कराना चाहेंगे, पूर्व में हुए घटिया निर्माण साथ ही सरपंच की गैर मौजूदगी में लाखों की रकम निकासी कर सरकार को चूना लगाया गया है, जिसकी जानकारी जब सरपंच को लगी तब सरपंच सचिव के बीच तीखी झड़प हुई। उसके बाद सरपंच ने सचिव के खिलाफ सीईओ जनपद पंचायत महगांव को आवेदन देकर जांच कराने की मांग की है। सरपंच बजरंगगढ़ सिकरौदा के द्वारा बताया गया, पूर्व में बताई गई आरसीसीडी रोड निर्माण कार्य जिसका कहीं भी कार्य नहीं किया गया और न ही मौजूदा मजदूरों को मनरेगा की योजनाओं में लगाया गया। मनरेगा के मजदूरों के फर्जी दस्तखत कर 3,16,000 रुपए की निकासी कर ली, साथ ही जयमा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स के फर्जी कागज लगाकर आरसीसीडी रोड निर्माण के नाम पर 2,22,000 का गमन कर सचिव अशोक सिंह भदौरिया के द्वारा सरपंच की बिना अनुशंसा पर यह जो कार्य किया गया है वह अमानत के खयामत करने योग्य है, जिस पर जांच के लिए अथवा ग्राम पंचायत से हटाकर कार्यवाही करने की आवेदन के माध्यम से मांग की है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। अतर सिंह सरपंच जी, आपके ऊपर आदेश, ये भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि गौशाला जो बनी उसमें आपने भ्रष्टाचार किया, क्या कहना है आपका? सर जी, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है ना, ऐसे कोई जो तो सिर्फ झूठे का है, गांव के विरोधी लोग हैं। मैं बता रहा पहले से ही जो लोग मेरे विरोध में चले हैं हमेशा से, तो मेरा वैसे पूछे चाहूँगा गौशाला पर इतना बढ़िया काम एकांत भाषा में कहीं ऐसी जगह ऐसी अपने एकांत में बनाई थी, सारे गाँव वाले इतने इस जगह पर खुश हैं कि बीच के मध्यम जगह थी सरकारी जगह, तो इसके मतलब कहीं तरक गई थोड़ी सी सर, तो वहाँ वजह क्या पानी बरसात भई थी भयंकर, तो उस दिन हम लोग इतने के मतलब गौशाला पे तो कहीं एक ऐसी लीक कर गई तो वो पानी मट्टी को बाप पर गई थी, बस उसके कारण कुछ मट्टी एक वो गई थी तो बस पे थोड़े तरक गई, तो वो अपन ने पूरी तरीके से अब एस इंजीनियर साहब ने बताई तो दीवार अपन हटवाई थी, पूरी चेंजिंग करवाई थी, पूरी तरह अपन मरम्मत करवाई थी, बढ़िया नर्स रहती, ऐसी कोई अपने भ्रष्टाचारी को कोई काम नहीं, बढ़िया मजबूत काम किया है। कब तक गौशाला आपकी तैयार हो जाएगी? सर 2-3 दिन में का पूरे दोनों दीवार अपन ने हटा दी नीचे जड़ तक, दूसरे पुनः फिर बनाना पड़ रही। गाय कब तक उसमें पहुंच जाएंगी सरपंच जी? गाय सर समस्या थोड़ी आ रही है पानी की, जब मैंने साहब तो सीओ साहब से कह दी थी, एक जलाशय साहब से कही थी ट्रांसफार्मर रखवाओ, ये मैंने गाय चालू हो जाती थी, समस्या पानी की है, मैंने गाय रख दी तो पानी कहाँ से पे आए, लाइट की व्यवस्था नहीं है सर। क्या नाम है आपका? अतर सिंह सरपंच। कहाँ के सरपंच आप? सिकरौदा पंचायत। पूरा नाम बताओ, अतर सिंह आगे क्या लिखते हो? अतर सिंह सरपंच जाटव जनपद पंचायत में है। ठीक सर, मेरा नाम अतर सिंह सरपंच सिकरौदा, मेरा विषय है कि सरपंच सेक्रेटरी के द्वारा 17-18 लाख रुपए निकाल चुके हैं जो फर्जी भाड़ा कर रहा है सेक्रेटरी, और अभी इसने सीओ साहब को मैंने आवेदन भेजा दिया था इसकी जांच कराने के लिए, जैसे 2,22,000 रुपए थे, मैं रोड नरेश के घर तक सीसी रोड के लिए फर्जी निकाली, अभी तक उसने ना तो कोई मटेरियल डरवा, मैंने पैसे भी मांगे थे, मैंने पैसे तुमने फर्जी निकाली है तो पैसे दे दो, उसने मेरे को बताया मैं दे रहा हूँ 10-20 दिन हो गया कहते, तो अभी तक उसने पैसे नहीं दिए, बोला कि मैंने तो मेरे पास नहीं, जब मैंने तो खर्च हो गया, अभी उसने खेत लिया था तो मैंने खेत में लगा दिए पैसे, तो मैंने कि खेत में थोड़ी लगाए जाए सर। फिर सर एक जाने 1.5 लाख रुपये निकाले थे, मैं रोड से जसरता के घर तक टपरा निकाले थे, उसने 3,16,000 रुपये जो मजदूर के जो पैसे निकाले थे, यहाँ जो अपने कच्चे नाले भरवाए, मजदूर ने मेहनत करी थी ऐसे महामारी कोरोना में, ताकि पैसे वाले दूसरे जॉब कार्ड फर्जी जॉब कार्ड बना करके दूसरे खातों में डाल दिए, और मजदूर के पैसे आज तक नहीं मिल रहे, आज तक भटक रहे, कई बार मांग चुके तो अनुशासन दे देता, मैं देता हूँ अभी तक पैसा। टोटल कितना पैसा निकाला सेक्रेटरी ने? 18 लाख के। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी का अशोक भदौरिया। अच्छा, आपके साइन माइन उस पर नहीं है? नहीं है सर, कहीं भी आपके साइन होते होंगे ना हर बार? नहीं होती है सर, मेरे बगैर पूछे मतलब मर्जी से काम कर रहा है, उसके पास पासवर्ड है कोई, अभी 2 ताला हो गए, उसने कहीं साइन नहीं, ना कोई मूल्यांकन है, फर्जी से पैसा एक में 3 लाख निकले, एक में 70,000 रुपये निकले, कोई साइन नहीं है ना कोई मूल्यांकन, अभी तो मैंने इसके लिए जाँच के लिए मैंने सीओ साहब पर आवेदन दिया है जनपद सीओ साहब पर, अभी कोई उसकी जाँच नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, अभी काफ़ी तरह से मतलब मैं परेशान हूँ, दबंगी से काम करता है, मतलब मेरे को इतना दबाव दे करके बना रखा उसने, अभी मैंने कही सब जैसे क्यों नहीं करा रहे हो तुम, क्यों नहीं फर्जी से काम कर रहे हो,
तो मेरे पकड़ कर नहीं तू ऐसे ही मेरी मर्जी कैसे काम करो, तो कौन होता है आखिर क्यों दबा रहा है वो तुम्हें? इस तरह दबंग सब अपना अल्पी जाती थी दबंग दिखाता है मेरे। इस तालाब के बीच तो बहुत बहस हुई थी, अरे मतलब प्राइवेट में खुदवा दिया माने, तो मैंने कि सरकारी मतलब होता है सहमति सरकारी में नहीं जाते, लेकिन प्राइवेट में क्यों खुदवा रहे कि वो हमारी मर्जी, तुम कौन होते हो ज़्यादा होशियार बनता है? तो सर पर मैंने सीओ साहब को आवेदन दिया था, सीओ साहब से जांच करवाई थी। आप पर आरोप है कि कुछ रोडों के जो पैसे निकाल लिए गए वो रोड बनी ही नहीं है? नहीं सर, तो यही तो पैसे निकले हैं, मैंने यही तो दिया था आवेदन, जो आवेदन मैं बता रहा हूँ तो यही तो पैसे हैं, तो वो पैसे मेरे पास इसने मतलब अपने पासवर्ड से इसने डोंगल से पैसे निकाल लिए फर्जी से, तो यही तो मैं बताया कि जो पैसे अशोक भदौरिया ने निकाल लिए सेक्रेटरी, तो मेरे से वो कहता मैं मटेरियल डरवा दूँगा जहाँ में बीच में सरवीर नरवरिया है उसके फर्म में गए पैसे, तो उसने कही कि मटेरियल डरवा, वो कौन है जिसके अकाउंट में पैसे गए? वो फर्म है इसकी जो उसी पर काम करवाता है अशोक भदौरिया है, क्या ठेकेदार है वो? ठेकेदार है, कोई मटेरियल नहीं ना कुछ नहीं था, वो जो कहता मैं क्यों करते हैं सेक्रेटरी बोलेगा तो डाल दूँ, तुम कौन होती अभी तक उनका मटेरियल डर जी। यहाँ किस गांव की रहने वाली है? सिकरौदा के। ये गांव जो आपका है ये कौन सा ये पुरा है? ताती सिंह का पुरा। तो यहाँ एक रोड निर्माण कारखाना था, वो कब से नहीं हुआ? जाने का वादे 2 साल से सुन रहा है मैं तो। 2 साल से? हाँ। क्या क्या यहाँ नपती वगैरह भी हुई थी पहले? जी हमें कछु पता ना भाव, सुनी हमें गवाल के चले गए तब सुनी के यहाँ गिर रही है रोड पट्टी भट्टी गिरी का भाव, फिर उसके बाद रोड नहीं बनी भाव। 2 साल से रोड नहीं बनी? अरे आज ना बनी, अब 2 साल से हवा का आज ना बनी। क्या परेशानी रहती है आप लोगों को? परेशानी कड़े ने करे खींचे जाते गए कड़े वे और का परेशानी। अच्छा ये और यहाँ जो रोड के लिए पहले कोई मट्टी वगैरह डली थी? मट्टी डाली तो पहले डाली गई थी, डाली मट्टी हमारे मोड़ा नहीं डाली। अच्छा उसके बाद में फिर रोड नहीं बनी? फिर रोड नहीं बनी दोबारा बनी। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह परमार। प्रदीप जी आप किस गांव के निवासी हैं? सिकरौदा के। सिकरौदा में? हाँ। अच्छा यहाँ कोई रोड का निर्माण कार होना था, ये करीबन कितने सालों से रोड का निर्माण कार? पर साल थोड़ी सी मट्टी बोली थी जो अपने पैसे से मट्टी डलवाई हमने। अच्छा फिर RCC बोला गया RCC करवा दें, तो अभी तक RCC नहीं हुई है। कितने साल हो गए? 1 साल हो गई। अच्छा किसके द्वारा कहा गया था कि RCC की रोड? ये सरपंच ने बोला था। कौन सरपंच? कौन सरपंच है आपके? अतर सिंह। अच्छा यहाँ नपती भी हुई थी? हाँ नपती हुई थी, मैंने 12 फुट में मट्टी डालो 10 फुट में RCC करूंगा। अच्छा यहाँ बता रहे कि भ्रष्टाचार हुआ है रोड के? नहीं कुछ नहीं हुआ है भ्रष्टाचार। नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, रोड का पैसा निकाल लिया गया। हाँ वो रोड का पैसा निकाल लिया गया, रोड नहीं डाली। अच्छा ये कितनी पुरानी बात होगी? 1 साल हो गई। 1 साल पहले नाम है दादा आपका? मुलू सिंह। अच्छा आप किस गांव के निवासी? सिकरौदा के। यहाँ सिकरौदा में क्या परेशानी है? एक यहाँ गांव के लोगों का कहना है कि एक रोड निर्माण कार होना था यहाँ। हाँ जी जो रोड है टांटी सिंह के पुरा पे जी 10वीं से नाम है घर बने हैं। RCC की यहाँ की मांग ठीक है ना, वो पंचायत में या ग्राम सभा में वही मांग और बता रहे हैं कि उसका पैसा निकाल दिया है कि ना, जो RCC हुई नहीं। अच्छा किसी ने इसमें जानकारी निकाली थी? जानकारी तो बना है। अच्छा इसके इस गांव के नाम से पैसा निकाल लिया गया है? तो यहाँ रोड नहीं बनाई गई? नहीं बनाई है। क्या कितने परिवार होंगे यहाँ? 20 घर करीब लगा मुझे एक ही परिवार के। अच्छा एक ही परिवार के 20 घर हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है दूसरा? नहीं है, एक ही रास्ता है जो अभी तक रोड नहीं बनी है। नहीं। बरसात में क्या रहता है यहाँ? बरसात में बने ऐसे निकलते रहते हैं, परेशानियाँ होती हैं लोगों को। परेशानी बहुत पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मुलू सिंह।